मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक दिन में मिले 4108 नए पॉजिटिव। भाभी से की छेड़खानी, देवर पर मामला दर्ज। उमरेड में 3 स्थानों पर टीकाकरण। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। एक दिन में मिले 4108 नए पॉजिटिव। कोविड की दूसरी लहर में संक्रमण शुक्रवार को शिखर पर जा पहुंचा है। एक दिन में सर्वाधिक 4108 नए संक्रमित जिले में मिले और 60 की मौत हो गई। लगातार दूसरे दिन 60 मौतें होने से प्रशासन चिंता में है। चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीण इलाके में पहली बार शहर की तुलना में मौतें अधिक हुई। ग्रामीण में आज 30 और शहर में 27 मौतें हुई। 3 जिले के बाहर के हैं। अब तक कुल 233,770 मिले और कुल 5,218 मौतें दर्ज की गई। कोविड की पहली लहर में 13 सितंबर 2020 को सर्वाधिक 2,374 संक्रमित मिले थे। उसके बाद 16 मार्च को यह रिकॉर्ड टूटा। एक दिन में 2,558 संक्रमित मिले थे। उसके बाद तो मार्च महीने में रोजाना नए रिकॉर्ड बनते गए। 26 मार्च को पहली बार संक्रमित 4,095 पर जा पहुंचे थे। उसके बाद यह रिकॉर्ड 2 अप्रैल को टूट गया। तो वही दूसरी ओर भाभी से की छेड़खानी, देवर पर मामला दर्ज। भाभी से की छेड़खानी करने वाले युवक के खिलाफ धंतोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 45 वर्षीय विवाहिता गुरुवार की शाम अपने फ्लैट पर गई थी, तभी आरोपी 40 वर्षीय देवर ने उससे आपत्तिजनक बर्ताव किया। शिकायत पर पुलिस ने छेड़खानी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। तो वही तीसरी ओर उमरेड में 3 स्थानों पर टीकाकरण। शहर में कोविड संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। सरकार द्वारा गुरुवार 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगाया जाने की घोषणा के बाद स्थानीय ग्रामीण अस्पताल में भीड़ बढ़ गई है। इससे हो रही असुविधाओं को टालने के लिए शुक्रवार से शहर में 2 और केंद्र खोले गए हैं। बाईपास चौराहे परिसर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागृह तथा बीसी नाका चौक परिसर से संताजी जगनाड़े महाराज सभागृह के वैक्सीन लगाई जा रही है। लाउड स्पीकर के माध्यम से नागरिकों को इसकी जानकारी दी जा रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।